नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सन 1980 में दी साइंस टीचर नाम की एक मैगजीन में एक स्कूल की साइंस शिक्षिका ने मोल्ड डे को मनाने का प्रस्ताव दिया था। इसी के बाद राष्ट्रीय मोल्ड डे फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसके चलते 23 अक्टूबर को मोल्ड डे मनाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय मोल्ड दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन रसायन विज्ञान में एक विशेष संख्या को पहचानता है। यह दिवस विशेष रूप से दुनिया भर के केमिस्ट और रसायन विज्ञान के छात्रों द्वारा मनाया जाता है। समारोह सुबह 6:02 से शाम 6:02 के बीच होता है। एवोगैड्रो की संख्या, उत्सव का समय और तारीख एवोगैड्रो की संख्या से ली गई है। एवोगैड्रो की संख्या लगभग 6.02×10^23 है। यह किसी पदार्थ के एक कण में कणों, परमाणुओं और अणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यह माप के 7 आधार SI इकाइयों में से एक है। निरंतर एवोगैड्रो का नाम 19वीं शताब्दी के इतालवी वैज्ञानिक एमेडियो एवोगैड्रो के नाम पर रखा गया है। एवोगैड्रो की संख्या एवोगैड्रो सिरांग से निकटता से संबंधित एक शब्द है। मोल एक तिल माप की इकाई है। इसका उपयोग रसायन विज्ञान में किसी रासायनिक पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चोरी मेरा काम, चोरी के घर चोरी और अंगूर जैसी कई बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों से लोगों के दिल में जगह बनाने वाले देवेंद्र वर्मा ने बॉलीवुड में न सिर्फ एक कॉमेडियन के तौर पर बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया है। आज ही के दिन 1937 में उनका जन्म हुआ था। देवेंद्र वर्मा भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों के जाने माने हास्य अभिनेता थे। उन्होंने फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों को गुनगुनाने के लिए मजबूर कर दिया था। 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उन्होंने अंगूर, हलचल, गोलमाल, खट्टा मिट्टा, कोरा कागज, कभी कभी जैसी लगभग 139 फिल्मों में काम किया। देवेंद्र अशोक कुमार के दामाद थे। दाना पानी, बेशरम, बड़ा कबूतर और नादान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्हें 3 बार फिल्मफेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से नवाजा गया। देवेंद्र वर्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1937 को कच्छ गुजरात में हुआ था और उनका पालन पोषण पुणे में हुआ था। उनके पिता बलदेव सिंह वर्मा का चांदी का कारोबार था। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता स्वर्गीय अशोक कुमार की बेटी रूपा गांगुली से शादी की। उन्होंने 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। यह फिल्म बी.आर. चोपड़ा के बैनर तले बनाई गई थी। इसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था जिस पर किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया। 1964 में आई फिल्म सुहागन में उनके अभिनय पर निर्माताओं की नजर इनायत हुई। देवर फिल्म में उनका नेगेटिव रोल था तो दूसरी फिल्म मोहब्बत जिंदगी है में उन्होंने हास्य भूमिका निभाई। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई। तुलसीदास जी को एक महान हिंदू कवि और संत का दर्जा प्राप्त है और उन्होंने कई सारी साहित्य रचनाओं को लिख रखा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के भी रचयिता है और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी ने रामचरितमानस को लिखने में संत तुलसीदास जी की मदद की थी। हनुमान जी ने इनको भगवान राम जी के बारे में बताया था। आज के दिन 1623 में उनका निधन हुआ था। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म वर्ष 1511 में बांदा जिले के यमुना के तट पर स्थित राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान महाकवि तुलसीदास का जन्म सूकर क्षेत्र अथवा सोरो में मनाते हैं। वास्तव में उनके जन्म स्थान व काल के बारे में आज भी विद्वानों में मैत्रक्य नहीं है। वे सरयू परायण ब्राह्मण थे। संत तुलसीदास विद्वान व धर्म के मर्मज्ञ थे। ईश्वर की आराधना उनके जीवन का उद्देश्य था। वे स्वयं एक आदर्श पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपना आराध्य एक आदर्श पुरुष को ही चुना। भगवान राम उनके आराध्य देव थे और उनके जीवन के आदर्श थे। प्रभु राम का संपूर्ण जीवन एक मर्यादा की डोर में बंधा रहा। संत तुलसीदास जी ने उस महापुरुष को अपना आराध्य बनाया जिसने दूसरों की भलाई में अपना सारा जीवन लगा दिया। वे एक योग्य आज्ञापालक पुत्र, अभिनय हृदय सहयोगी भाई, आदर्श पति और संकट में साथ देने वाले सच्चे मित्र थे। तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 में हुई थी। फिर भी तुलसीदास जी के दोहे और उनकी रचनाएं आज भी हम सभी के बीच जीवित है। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।